हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवप्रकाश अवस्थी फ्रॉम हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया था कि जिसमें से आपको हमने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार हम इनको पैसिव में बदलेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिंपल पास्ट तथा सिंपल फ्यूचर को बदलते हैं। स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हमें उसके टेंस पर विशेष ध्यान देना होगा। बाकी बदलने के सभी नियम एक समान हैं। चाहे कोई भी टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, हम उसके ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाई करके सब्जेक्ट लिखेंगे। सिंपल पास्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई करके सब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तथा अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम वाज या वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा अवश्य गया है लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई करके सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हु के प्रयोग होने पर सबसे पहले बाई हूँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई करके सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के लिए, ही रोट अ लेटर, इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। हमने पैसिव में बदलते समय अ लेटर को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा। हेल्पिंग वर्ब एक वचन होने की वजह से वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम, इस प्रकार अ लेटर वाज रिटन बाई हिम। और बाकी के सभी सेंटेंसेस इस टेंस में सभी सेंटेंसेस इसी प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट की हम बात करें तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनिट, बिल्कुल वही प्रक्रिया इसमें भी है। हम वाक्य के ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो कि अब यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, आई और वी है, तो शैल और बाकी सभी के लिए विल का प्रयोग करें, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई सब्जेक्ट। नेगेटिव होने पर विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएं, उसके बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई करके सब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव होने पर हम विल अथवा शैल को ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई करके सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे राम विल सिंग अ सॉन्ग, राम सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और असांग ऑब्जेक्ट है। पैसिव में बदलते समय हमने असांग को अपना सब्जेक्ट बनाया, असांग विल बी संग बाई राम। थैंक यू।